ये सॉल्व करके बताओ सब लोग, ट्राई करो सॉल्व करो। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये क्या है बता सकता है तुम? टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या है? एरिया पर यूनिट टाइम। बी ए बाई डी और ए क्या? पाई आर स्क्वायर। और डी ए बाई डी टी आपको क्यों? टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर। किसी को डाउट क्या होता है? विद रेडियस इंक्रीजिंग आफ्टर 2 and 6 by 11 सेकंड। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या मिलेगा? बोलो जी ए बाय डी टी इक्वल टू पाई का कॉन्स्टेंट है आर स्क्वायर का 2 आर और डी आर बाय डी टी आर का विद रिस्पेक्ट टू टी
देखिए आपके पास डी ए बाई डी टी और डी आर बाई डी टी आपको फाइंड करना, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीज, डी आर बाई डी टी आपको फाइंड करना। ये वैल्यू है 2, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर आपको ढूंढना है और डी आर बाई डी टी आपको फाइंड। अगर आपको आर मिल जाए तो डी आर बाई डी टी मिल जाएगा। अब आर कैसे मिलेगा मैं बता देता, आर कैसे मिलेगा, ये बता इसका मीनिंग क्या होता है। एरिया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर, तो इतनी सेकंड में कितना एरिया, इतनी सेकंड में कितना एरिया, एरिया ये कितना होगा, इतनी सेकंड में बताओ 2 × 11 × 22 6 × 28 × 11 × 28 × 11। ठीक है ये, और ये रहा ये का मतलब आया जब आप समझ आइए एरिया होगा कितने सेकंड में, 28/11 सेकंड में एरिया हो जाएगा इतना पर सेकंड, इतना कितने सेकंड में इतना हो जाएगा। और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 × 28/11 कैंसिल हो सकता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2 × 28/11 × 7/22। ठीक है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया 11, और ये 28 को मैं 4 × 7 लिख सकता हूँ, ये हो गया 4 × 7 × 7/11 क्लियर। इस 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है तो आर स्क्वायर कितना होगा 2 × 7/11 और 2 × 7/11, तो आर मिल गया आपको 40। बात समझ आई, अब ये आर की वैल्यू आप यहाँ समझ सकते हो, तो डी ए बाई डी टी तो है 2 cm² / 2 πr, 2 πr इक्वल टू डी आर बाई डी टी, आर आपने ढूंढ लिया है 2 × 1/5, पाई का मतलब 22/7 इधर, आर का मतलब 40 और ये 11 इक्वल टू डी आर बाई डी और 11 × 2 ना और 7 × 2 1/4 क्या लिखूँ 1/4 सेंटीमीटर और इक्वल टू डी आर बाई डी। किसी को डाउट हो तो पूछो, आप में से जिस चीज़ को डाउट हो शायद किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने फिजिक्स में किए, Thank you.
ये होता है कॉन्वेक्स। सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। ये रेडियस आर और ये डेप्थ है वो एच। जैसे जैसे इसमें वाटर आता जाएगा एच भी चेंज होती जाएगी और आर भी। क्या ये 10 और 30 डिग्री चेंज होगा? नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ से 10-30 डिग्री आपसे पूछूँ तो क्या लिखोगे आप? 10-30 डिग्री इक्वल टू आर बाय एच। तो आर इक्वल टू एच बाय रूट थ्री। ऐसा रूट थ्री सकते नहीं, एच इक्वल टू रूट थ्री आर। क्लियर वाले देखो। और ये dH by dt आपको कितना क्यूब में देंगे बताओ तो? dH by dt 1 centimeter पर। H 24 है तो आपको dV by dt पूछा। क्या ये बात समझ आई आपको? dV by dt ठीक है। अब वॉल्यूम कितना होता है? आज मॉर्निंग में पूछा आपसे 1/3 आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एच बाय रूट थ्री लिख सकता हूँ। तो बी हो जाएगा 1/3 r² का मतलब h² / 3 × h। बी इक्वल टू 1/9 या पाई बाय 9 और एच क्यूब। किसी को डाउट है? हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम। तो डीवी बाय डीटी आपको मिलेगा 5/9 इंटू टी एच स्क्वायर इंटू डी एच बाय डीटी।20%
इक्वेशन तो सबने नोट किया ना। हाँ आप लोग ये सोल्यूशन नोट कीजिए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश। साइन रूल यूज कर सकते हो।
एंगल सी और साइड सी है वो कॉन्स्टेंट है। तो ये बताओ जब भी मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो आप सब लोग कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे, किसी ने इसके बारे में डिस्कस किया, कुछ और डिस्कशन चल रहा, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं, कुछ और ही चल रहा। चलो देखो, अच्छा ये बताओ ए अपॉन साइन ए, साइन रूल होता है ना, ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन बी, ऐसा कभी किसी जमाने में हमने पढ़ा था। इक्वल टू के, ठीक, के की जगह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टू बार, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पूरा पढ़ा चुका हूँ और वो ऑफलाइन पढ़ा है। तो के इक्वल टू कितना होगा, टू आर साइन ए, बी इक्वल टू टू आर साइन और सी इक्वल टू टू आर साइन। इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, और इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका तो कर नहीं सकते, जीरो हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट है। बताओ सी ए बाय सी ए और ई ए इसके इक्वल आर कांस्टेंट, साइन ए का इसका डी बी बाय बी कैपिटल बी इक्वल टू टू आर कॉस। अब डी ए कौन कॉस ए कितना होगा, टू आर डी कैपिटल ए और डी बी बाय कॉस बी कितना होगा, टू आर डी कैपिटल ए। अब इन दोनों को प्लस करता हूँ क्या मिलेगा, डी ए कौन कॉस ए प्लस डी बी और कॉस बी इक्वल टू टू आर कॉमन डी ए प्लस डी बी। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, डी ए प्लस डी बी का ए का डिफरेंशिएशन प्लस बी का डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टू आर डी ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी। अब ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी का कितना होता है 180, तो a प्लस b 180 माइनस c और 180 और c दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2r into कितना 0, तो इसके वैल्यू आपको 0 समझ आई बात। मुझे भी सीखा कुछ Thank you.
आपने कहा कौन से पढ़ा दिया मतलब भूल कर दिया मैथ का ये नोट किया सबने मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया क्या समझ में नहीं आया बस भी समझ में ऑयल है वाटर के ऊपर सर्कुलर डिस्क की फॉर्म है वो धीरे धीरे क्या होगा फैलेगा तो उसकी थिकनेस है वो क्या होती जाएगी छोटी होती जाएगी और रेडियस है वो बढ़ती जाएगी मैंने बोला है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड रेडियस की इंक्रीज होने की रेट आपको बता किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस है वो 1 मीटर है और थिकनेस है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 4 मिलीमीटर पर सेकंड जब रेडियस इस ये है पॉइंट उस टाइम इसके एच के डिक्रीज होने की रेट है और रेडियस के तो इंक्रीज होने की रेट है उसके बाद पूछा है हाउ फास्ट इज इट डिक्रीजिंग पॉइंट द रेडियस इज 2 मीटर जब रेडियस 2 मीटर है तो डिक्रीज क्या होगा भाई थिकनेस तो थिकनेस के डिक्रीज होने की रेट क्या होगी जब रेडियस 2 मीटर जब 1 मीटर है तो आपको बोल देते हैं आप समझ आई ये पूछा है क्वेश्चन लिखा सबने क्वेश्चन लिखा सबने अब बताओ कि जब ये ऑयल है पानी के अंदर गिरा उसके ऊपर है सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में बना उसके बाद ये फैलता जा रहा है थिकनेस और कम होती इन सभी प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम का क्या रोल कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता अब मुझे बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में है सर्कुलर डिस्क का मतलब जो सिलेंडर की फॉर्म में हो क्या ऐसा सर्कुलर है और फिर उसकी हाइट तो ये सिलेंडर की फॉर्म में हो उसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम अब इसमें R भी चेंज हो रहा है और H भी चेंज हो रहा है अब R है वो इंक्रीज हो रहा है तो जो चीज इंक्रीज होती है वो प्लस जो चीज डिक्रीज होती है वो माइनस इतना ध्यान रखना ठीक है माइनस और प्लस सिर्फ ये बताएंगे कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज अब जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ क्योंकि सारी वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में देखो टाइम के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है तो dv by dt कितना होगा dv by dt टाइम का कांस्टेंट ठीक r स्क्वायर का 2r into dr by dt h as it is plus r स्क्वायर as it is h का dx by dt क्या ये बात समझ आई अब इसके बाद दो फंक्शन है r और h क्योंकि दोनों ही चेंज हो रहे कांस्टेंट नहीं पिछली बार तो क्या था कि डेल्टा का 30 डिग्री है वो कांस्टेंट था अगर वो कांस्टेंट है 30 डिग्री तो एक्स और आर का रेशियो हमेशा वही रहेगा चाहे वो चेंज हो दो रेशियो चेंज नहीं हमने किसी एक को कन्वर्ट कर दिया अब बताओ इसका डी वी बाई डी टी जीरो ठीक है केस फर्स्ट में डी वी बाई डी टी बस को जीरो जीरो और क्या क्या बताओ डी आर बाई डी टी कितना डीआर बाई डी टी कितना मिलेगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड और रेडियस आर 1 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर अब यहाँ से क्या मिलेगा वो डीएच बाई डी टी मिल जाएगा डीएच बाई डी टी वो भी तो मिल जाएगा 4 mm पर सेकंड डीएच बाई डी टी भी आपको डीएच बाई डी बोलो 4 mm पर सेकंड 4 मिलीमीटर का मतलब 4 बाय मीटर में कन्वर्ट करना है तो 4 बाय 1000 ये होता है ना मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 4 बाय 10 ओनली 4 बाय 10 ही तो होगा 4 बाय 10 सारी टर्म किसमें हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं 4 बाय 10 सेंटीमीटर पर
अब बोलो किसी को डाउट? अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, जीरो इक्वल टू पाई टू आर, आर की वैल्यू कितनी 100 सेंटीमीटर इंटू डी आर बाई डी सी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू एच जो हमें फाइंड करना है, प्लस आर स्क्वायर 100 का स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी 4/10। क्या मैं डी एच बाई डी टी को माइनस लिखूंगा? डी एच बाई डी टी को माइनस लिखूंगा क्या? क्यों? डिक्रीज है, तो इसको माइनस। अब आप में से किसी को भी डाउट हो तो कि माइनस क्यों है? जो भी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है उसके आगे माइनस साइन, इंक्रीज हो रही है तो प्लस। अब देखो ये पाई से डिवाइड हो गया जीरो, और ये वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, हंड्रेड इंटू 100 इंटू 4/10 इक्वल टू 2 × 100 × 10 × h। किसी को डाउट हो तो ये 1, 2, 3 और 4 तो h कितना हुआ? 2 क्या सेंटीमीटर h आपको दे, बात समझ आई? h मिल गया। अब मुझे बताइएगा जब आपके पास h है, अब नेक्स्ट टाइम सेकंड केस में क्या बोला आपको कि रेडियस कितनी है? 2 मीटर। आपको क्या पूछा है? dh / dt। अब dx / dt पूछा है और h आपके पास है, ये h आपने ढूंढ लिया, बात समझ आई? अब बताइएगा dv / dt ये सेकंड 0 इक्वल टू पाई 2 इनटू r, r कितना लिखो भी 200 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर इनटू dr / dt 10 अपने पास सही है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इनटू h 2 सेंटीमीटर मिल गया प्लस माइनस हो जाएगा हां आर स्क्वायर कितना भी 200 का स्क्वायर इनटू 4/10 पहले से माइनस आ जाएगी इसमें ऑटोमेटिकली माइनस आ डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आ ही जाए। अब देखो ये बाई से जीरो जीरो बाय बाई जीरो हुआ और इस टर्म को इधर भेजता हूँ तो माइनस 2 × 200 × 10 × 2 इक्वल टू 200 × 200 dx/dt। जहां पे भी माइनस साइन आता है इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। जब आप dx / dt लिखोगे तो प्लस वाली चीज है, आप समझ आई? ये अब बताओ ये 2 ये 2 कैंसिल हो गए दोनों 1 2 और 3 1 2 और 3 ये 2 है 2/10 2/10 क्या सेंटीमीटर dh / dt सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप चाहो तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते, तो मिलीमीटर में कितना आएगा 2 मिलीमीटर और मीटर में 0.02 मीटर पर सेकंड। ये आपको dh / dt Thank you.
1/5 के साथ कुछ और भी है आपको dv/dt ऑलरेडी गिवन है dv/dt 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और dr/dt आपसे पूछा है और कब पूछा जो रेडियस 5 सेंटीमीटर ये बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³ अब इसको डिफरेंशिएट करो रिजल्ट तो टू t तो dv/dt हो जाएगा 4/3 जो पाई dr² dr/dt आप सारी वैल्यू के बाद है इतनी कैंसिल हो गया dv/dt 20 इक्वल टू 4π आज कितना 5 5 4 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